हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपा पिक कार्टून केक कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेनिला स्पॉन्ज केक बना देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप दूध। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच विनेगर। अब इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से और इसे 5-10 मिनट तक छोड़ दीजिए। तब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच नमक। अब इसे अच्छे से छान लीजिए। छानने का प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इसे स्किप मत करिए। अब हमारा बटर मिल्क बनके रेडी है, तो हम इसे ट्रांसफर कर देंगे एक बोल में और इसमें हम डालेंगे 1/3 कप तेल। तीन चौथाई कप पिसी हुई चीनी और 1 चम्मच वेनिला एसेंस। अब एक विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। हम हाफ हाफ करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानेंगे, एक साथ ऐड मत करिए। अब एक विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी छान लेंगे। अब इसे भी मिक्स कर लीजिए अच्छे से ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। और अब एक स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर लीजिए कट एंड फोल्ड मेथड से। तो हमारा केक बैटर रेडी है। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे ग्रीस्ड मोल्ड में। मैंने यहाँ 7 इंच स्क्वायर मोल्ड लिया है। इसे टैप कर दीजिए अच्छे से और मैंने कढ़ाई को भी प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए। तो अब हम इसे बेक करेंगे 40-45 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे और इसे कवर कर देंगे लिड से। अब 45 मिनट्स बाद इसे चेक कर लीजिए टूथपिक से। तो हमारा टूथपिक क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक बनके रेडी है। और इसे हम कवर कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। अब ठंडा होने के बाद इसे हम मोल्ड में से निकाल देंगे। और बटर पेपर को भी रिमूव कर देंगे। अब इसके ऊपर हम आइसिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पेपा पिक कार्टून का स्केच बनाया है और इसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट को हम डिवाइड कर देंगे इस तरह। तो अब हम पेपा का फेस बना देंगे पहले। तो इसके लिए हम नाइफ की मदद से इसे कार्टून का शेप दे देंगे। अब मैंने यहाँ दूसरा केक बना के रखा है, इससे हम पेपा का फ्रॉक बना देंगे। अब हम इससे भी काट देंगे नाइफ से। अब हमारा फ्रॉक भी रेडी है और अब हम ईयर्स भी बना देंगे पेपा के। अब मैंने यहाँ चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है एक बोल में। इसे हम बीट करेंगे तब तक जब तक इसमें स्टिफ पीक्स ना आ जाए इस तरह। अब हम क्रीम में पिंक जेल फूड कलर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे जेंटली।
अब मैंने यहाँ राउंड शेप नोजल लिया है पाइपिंग बैग में, इसमें हम पिंक व्हिप क्रीम ऐड कर देंगे। अब हम क्रीम को स्प्रेड कर देंगे केक के ऊपर। हमें बहुत ही थिन लेयर लगानी है क्रीम की क्रम कोटिंग के लिए। इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए पैलेट नाइफ की मदद से, और हम इसके साइड्स में भी क्रीम लगा देंगे। अब इसे स्मूदन अप कर दीजिए पैलेट नाइफ से और एक्स्ट्रा क्रीम को भी निकाल दीजिए। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे तक। अब आधे घंटे बाद हम सेकेंड कोटिंग करेंगे क्रीम की। तो सबसे पहले हम साइड से क्रीम लगाएंगे और फिर हम इसके अपर पोर्शन को कवर कर देंगे क्रीम से। और एक स्क्रैपर की मदद से हम एक स्मूथ फिनिश दे देंगे और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी निकाल देंगे। अब इसे भी हम रेफ्रिजरेट कर देंगे। अब मैंने यहाँ व्हिपिंग क्रीम ली है, इसमें हम ऐड कर देंगे रेड जेल फूड कलर। इसे जेंटली मिक्स कर दीजिए। अब हम पेपा के फ्रॉक को भी क्रम कोटिंग कर देंगे और इसे भी रेफ्रिजरेट करेंगे आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे बाद इसमें हम सेकेंड कोटिंग करेंगे क्रीम की। तो सबसे पहले हम साइड से क्रीम लगाएंगे और फिर इसके अपर पोर्शन को कवर कर देंगे क्रीम से, और एक स्क्रैपर की मदद से इसे स्मूथ फिनिश दे दीजिए और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे निकाल दीजिए। अब मैंने यहाँ दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है एक बड़े से केक बोर्ड पे। अब मैंने यहाँ पिंक व्हिप क्रीम ली है पाइपिंग बैग में। तो अब हम पेपा के फेस को बॉर्डर दे देंगे। और सेम व्हिप क्रीम से हम पेपा के ईयर्स को भी बॉर्डर दे देंगे और इसके नोज को भी बना देंगे। और चीक्स भी बना देंगे पिंक व्हिप क्रीम से। और व्हाइट व्हिप क्रीम से हम इसकी आईज बना देंगे। और पिंक व्हिप क्रीम से इसे बॉर्डर दे देंगे। और इसके लिप्स भी बना देंगे पिंक कलर से। अब मैं पिंक व्हिप क्रीम से पेपा के हैंड्स बना दूंगी और इसी तरह हम लेग्स भी बना देंगे। और मैंने यहाँ रेड व्हिप क्रीम लिया है पाइपिंग बैग में, इससे हम पेपा के फ्रॉक को बॉर्डर दे देंगे। मैंने ब्लैक व्हिप क्रीम से पेपा के शूज और आई बॉल्स बना दिए हैं। तो हमारा पेपा पिक कार्टून केक रेडी है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।